नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका लॉ एंड स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। श्रद्धालुओं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कई जो श्रद्धालु होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है, उनका ये प्रश्न होता है कि जो गायत्री मंत्र होता है वो हम करते तो हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमें कितनी बार करना चाहिए। तो जो गायत्री मंत्र होता है वो कितनी बार करना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी आप घर से निकलने वाले हों तब आप गायत्री मंत्र का जो जाप है वो 5 से 11 बार अगर घर से करके निकलते हैं तो आप जिस भी कार्य के लिए घर से जा रहे हैं वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होता है। माँ गायत्री का आप पर आशीर्वाद होता है। आप याद रखें कि जब भी आप घर से निकले तो कम से कम 5 या फिर 11 बार गायत्री मंत्र ओम भूर भूर्वत स्वाहा तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जप कर जरूर निकले। इसके अलावा आपको जब भी आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो जो ये मंत्र है वो आपको समृद्धि देता है, साथ ही साथ आपको सफलता के रास्ते आपके खोल देता है और आपको उच्च जीवन उच्च आयु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु से आपको बचाता है। ये सारी जो चीजें होती है वो मात्र गायत्री मंत्र गायत्री माता के जप करने से ही सिद्ध होती है। तो जब भी आप घर से निकले तो कम से कम 5 या 11 बार गायत्री मंत्रों का जाप करके ही निकले। इसके अलावा आप जब भी सूर्योदय हो, अगर आप गायत्री माता की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि सही समय क्या है जब मैं गायत्री मंत्रों का जाप करूं तो मुझे अधिक से अधिक फल मिले, तो जब भी सूर्योदय हो तो सूर्योदय के समय जो भी आपका पूजा घर है वहां बैठकर आप 3 माला 108 बार, क्या 3 माला 108 बार आपको गायत्री मंत्रों की जपना है, जिससे कि माँ गायत्री की आप पर विशेष कृपा होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती है। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, जिस भी कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलती है। ये आपको करना है रोजाना। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, हमेशा याद रखें कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो 12 बार माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करें। आपको यहाँ जाकर माँ गायत्री के 12 बार मंत्रों का जाप करना है, साथ ही साथ अपने उज्जवल भविष्य की कामना करनी है, जो भी इच्छा है उसको बोलना है। तो इस तरह से आप 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करें जब मंदिर में जाएं। तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही कई लोगों को ये चीजें पता है लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज नहीं पता है। इसके अलावा जब भी आप भोजन करने बैठें, देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तो हमेशा भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में भोजन कर लेते हैं, कई बार पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी भोजन करने बैठे तो माँ गायत्री का आप स्मरण करें और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे कि जो भी भोजन आप कर रहे हैं ना वो भोजन अमृत हो जाता है और आपके शरीर को लगता है वो भोजन, अगर उसमें कुछ किसी भी तरह की दूषित चीजें भी होगी तो वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि माँ गायत्री की कृपा से वो आपके शरीर के लिए अमृत का काम करता है। तो इस तरह से आप जब भी खाना खाएं तो आप 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जब भी आप रात को सोने जाएं तो आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, सोने से पहले 11 बार। आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, हिंदू धर्म में आगे गायत्री मंत्र का विशेष महत्व बताया गया। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, कई लोग होते हैं जो बच्चों को सोते समय कुछ स्टोरी दिखाते हैं, आजकल तो मोबाइल टीवी का जमाना है तो मोबाइल दिखाकर सुला रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि का विकास हो, आपके बच्चे का आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, तो आप 11 बार या गायत्री मंत्र बच्चे से बुलवाने की कोशिश कीजिए, या छोटा बच्चा हो तो उसके कान में आप 11 बार गायत्री मंत्र बोलिए और उसके बाद आप उसके चमत्कार देखिएगा। तो दोस्तों श्रद्धालुओं, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, आप और क्या जानकारी चाहते हैं माँ गायत्री के संबंध में, तो मुझे आप कमेंट कर बता सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।